अब क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करते हैं। उसका फर्स्ट पार्ट है, यूज द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, गिव रीजन इफ सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहले हमने इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब मैट्रिक्स फॉर्म जिस तरह क्वेश्चन नंबर वन में हमने सीखा, एक्स का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 4, वाई का कोएफिशिएंट 3 और सेकंड इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट 1, वाई का कोएफिशिएंट -2 और इन दोनों इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल्स हैं, एक एक्स है और एक वाई है, इज इक्वल टू, इक्वल की दूसरी साइड पे हमारे पास नंबर्स है 6 और 7। यहां पर हेयर जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ये, इसको हम कहते हेयर ए इज इक्वल टू 4, 3, 1, -2 और कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स और वाई, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, और इक्वल की दूसरी साइड पे जो मैट्रिक्स है वो हम उसको क्या नाम देते हैं, बी, और वो क्या है 6 और 7। हमारा टारगेट क्या है, टारगेट हमारा ये है कि कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी, ये हमारा टारगेट है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास बी तो पहले से गिवन है जो कि मौजूद है, हमें जो काम करना है वो ए इनवर्स के लिए करना है। तो ए इनवर्स जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। यही इनवर्स वाला जो काम है वो पिछले एक्सरसाइज में हम सीख चुके हैं, तो यही दोबारा रिपीटिशन हो जाएगी। तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो क्या है कि हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। ये दोनों चीज़ें मालूम हो जाएगी तो हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा। ए इनवर्स जब आ जाएगा तो हम इस इक्वेशन में डाल देंगे तो बी के साथ ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स का आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या काम करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसको लिखते हैं 4, 3, 1, -2। डिटर्मिनेंट के लिए क्या करते हैं, डायगोनल पे नंबर्स को हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4 मल्टीप्लाई -2 -लिखते हैं और उसके बाद डायगोनल के अलावा नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाता है -8 और यहाँ आ जाता है -3, तो ये आ जाता है -8, -3, -11। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा आ जाता है -11। कीप इन माइंड अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो यहीं पर आप सॉल्यूशन रोक दें और यही एक सेंटेंस लिख दें कि फर्दर सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब डिटर्मिनेंट 0 होता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो सिंगुलर मैट्रिक्स का फर्दर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। अब क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या है, नॉट इक्वल टू 0, सो फर्दर सॉल्यूशन इज पॉसिबल। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, एडजॉइंट ऑफ ए की तरफ। तो एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू, यहां पर मैं आपके सामने रख देता हूं मैट्रिक्स ए जो है, मैट्रिक्स इधर सामने रख देता हूं, हमारे लिए एडजॉइंट निकालना आसान होगा। तो हमारे पास मैट्रिक्स ए है 4, ऊपर नीचे जाने के बजाय इधर सामने लिख देता हूं, ये रफ वर्क है, 4, 3, 1, -2। अब जब हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं, जो डायगोनल पे नंबर्स हैं इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, तो 4 की जगह आ जाएगा -2 और -2 की जगह पे चला जाएगा 4। बाकी दो नंबर्स इट इज लिख देंगे लेकिन साइन चेंज कर देंगे, वहां पर +3 है तो यहां पर -3 होगा, वहां पर +1 है तो यहां पर -1 होगा। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1 ओवर
डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया हुआ है -11, और एडजॉइंट ऑफ ए ये आपके सामने है -2, -3, -1 और 4। नाउ एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी, तो ए इनवर्स आपके सामने है 1/11, नेगेटिव साइन मैंने साइड पे लिख दिया बाहर, -1/2, -2, -3, -1 और 4, ये मैंने ए इनवर्स की जगह लिख दिया। अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, बी, बी हमारे पास क्या है 6 और 7, सो एक्स विल बी इक्वल टू -1/11, ये बाहरी रखें। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, पहले फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ, तो फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा -2 × 6, बीच में प्लस आएगा -3 × 7। अब सेकंड रो की बारी है, सेकंड रो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 के साथ पहले 6 मल्टीप्लाई होगा, 4 के साथ 7 मल्टीप्लाई होगा, किस तरह लिखेंगे, -1 × 6 +4 × 7, तो x will be equal to -1/11। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा -12, यहां से आएगा -21, तो ये -21 है तो ये वाला प्लस जो है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है, तो -21, यहां पर आता है -6 और यहां पर आता है +28, तो ये आ जाएगा -1/11, तो इनको हम प्लस कर देते हैं तो ये आ जाता है -33 और नीचे आ जाता है -+22, तो x will be equal to -1/11 मल्टीप्लाई करेंगे -33 के साथ, और इस तरह -1/11 जो बाहर है हर एक के साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 22 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पर कटिंग होगी, 11 1s are 11, 11 2s are 22, और इस तरह यहां पर 11 1s are 11, 11 3s are 33। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये माइनस साइन इस माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा, तो और इस तरह से 3 और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा 3, और इस तरह से यहां पर माइनस साइन आएगा क्योंकि अब माइनस साइन रहता है, यहां पर ये 2 के साथ प्लस साइन है तो ये माइनस आएगा तो -2, क्योंकि हमने कैपिटल एक्स क्या कंसिडर किया था, कैपिटल एक्स असल में क्या था, स्मॉल एक्स और वाई था। नाउ दिस इज इक्वल टू 3 - 2, तो इसका मतलब ये है कि एक्स की जगह पे क्या है 3 है और वाई की जगह पे क्या है -2, सो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू एक्स की जगह पे 3 और वाई की जगह पे क्या है -2। अब इसे ऊपर लिख भी सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू -2, सो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 और -2, पहले एक्स की वैल्यू लिखनी है और उसके बाद वाई की वैल्यू लिखनी है, सो दिस इज और फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस गिवन इक्वेशन को, जो लीनियर इक्वेशन है, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, इन मैट्रिक्स फॉर्म। फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कोफिशियंट, फर्स्ट इक्वेशन में वाई का कोफिशियंट, सेकंड इक्वेशन में एक्स का कोफिशियंट, सेकंड इक्वेशन में वाई का कोफिशियंट -2, और दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, और इक्वल के दूसरी साइड पे हमारे पास -8
माइनस 17। हेयर ए इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो ए है, 5, 1, 1, -2, और जो जिसमें एक्स और वाई है उसको हम कैपिटल एक्स का नाम दे देते हैं, और जो थर्ड मैट्रिक्स है जो इक्वल की दूसरी साइड पे है उसको हमने बी का नाम दे दिया, -8, -17। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, 5, 1, 1, -2। सबसे पहले डायगोनल बाय नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × -2 - और उसके बाद इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज इक्वल टू -10 - 1, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू -11। बाय चांस जरूरी नहीं कि हर एक का -11 ही आएगा। अब हमने ए का एडजॉइंट फाइंड करना है, तो मैट्रिक्स ए यहां पर मैं साइड पे लिख देता हूं, ये रफ वर्क में सिर्फ सामने रखने के लिए लिख रहा हूं, 5, 1, 1, -2, ये मैट्रिक्स ए है, इसका अब हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। पहला काम डिटर्मिनेंट और दूसरा काम एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब इस ए में देखें 5 और -2 इनके जगह चेंज हो जाएगी, -2, 5, और बाकी जगहों पे 1, 1 है, और हम इसको क्या करेंगे, -7 लगा देंगे, साइन चेंज कर देंगे। तो जब ये भी हमारे पास आ गया है, सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए है -11, और एडजॉइंट आपके सामने है -2, -1, -1 और 5। अब क्या करना है, एक्स हमने फाइंड करना है, तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी। ए इनवर्स आपके सामने है -1 ओवर 11, -2, -1, -1 और 5, मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ बी, क्योंकि ए इनवर्स की वैल्यू लिख दी, अब बी की वैल्यू लिख रहा हूं, -8, -17। अब मल्टीप्लाई करते हैं, -1 ओवर 11 बाहर ही रहेगा। सबसे पहले हमने फर्स्ट रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो -2 - 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -2 × -8 + आएगा, और उसके बाद -1 - 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 - 17 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद सेकंड रो की बारी है, -1 - 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस अब 5 - 17 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा -1 ओवर 11। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा 16, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आ जाएगा +17, और इस तरह से -1 और -8 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो +8, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो -85। नाउ दिस इज इक्वल टू -1 ओवर 11, और 16 + 17 ये आ जाएगा 33, और 8 - 85 ये आ जाएगा -77।
नाउ x इज इक्वल टू माइनस 11 जो बाहर लिखा हुआ है ये हर एक के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1 ओवर 11 मल्टीप्लाई 33 माइनस 1 ओवर 11 मल्टीप्लाई माइनस 77। अब कटिंग करते हैं, 11 3 जर 33, 11 7 जर यहां पर माइनस 7 आएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस 3 ऊपर आएगा और नीचे क्योंकि ये माइनस है मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 7 बनेगा, क्योंकि कैपिटल एक्स जो है वो किसकी इक्वल है, स्मॉल एक्स और वाई की इक्वल है, इस मैट्रिक्स की इक्वल है। नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस 3 और 7, फर्स्ट वैल्यू एक्स की है और सेकेंड वैल्यू किसकी है, वाई की है। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 एंड वाई इज इक्वल टू 7, सो सॉल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू एक्स की वैल्यू पहले लिखेंगे और वाई की वैल्यू बाद में लिखेंगे, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट। अब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, इन मैट्रिक्स फॉर्म, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट 7, तो 3, 7, और सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 4, y का कोएफिशिएंट माइनस 2, 4, माइनस 2, और इक्वेशन में x और y दो वेरिएबल हैं, और इक्वल की दूसरी साइड पे एक माइनस 6 है और एक 26 है। इस इक्वेशन के अंदर हेयर ए इज इक्वल टू फर्स्ट मैट्रिक्स को हम ए का नाम देते हैं, 3 7 4 माइनस 2, और कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स वाई को हम कैपिटल एक्स का नाम दे देते हैं, और इक्वल की दूसरी साइड पे जो है उसको हम कैपिटल बी मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं, माइनस 6 और 26। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, 3 7 4 माइनस 2। सबसे पहले डायगोनल वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 4 और 7 मल्टीप्लाई होंगे, तो ये आ जाएगा माइनस 6, 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 और यहां पर आता है 4 7 जर 28, दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये आ जाता है माइनस 34। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 34 माइनस 34 नॉट इक्वल टू 0, तो सॉल्यूशन पॉसिबल है, अगर 0 आता तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं था। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू, आसानी के लिए यहां पर मैं साइड पे मैट्रिक्स ए लिख देता हूं, इसको देख के हम एडजॉइंट ऑफ ए बनाएंगे, तो ये क्या है, 3 7 4 माइनस 2, तो हमारे पास ये आएगा, डायगोनल वाले नंबर की पोजीशन चेंज करेंगे यानी 3 और माइनस 2 की जगह चेंज कर देंगे, तो माइनस 2 यहां पर आ जाएगा, 3 यहां पर आ जाएगा, बाकी दोनों अपनी जगह पे होंगे, साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस 7 बनेगा और ये माइनस 4 बन जाएगा। सो ए इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1 ओवर डिटर्मिनेंट की जगह उसकी वैल्यू क्या आई हुई है, माइनस 34, और एडजॉइंट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है माइनस 2 माइनस 7 माइनस 4 और 3। ये हमेशा ज़हन में रखें कि इसकी जगह यानी मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 1 ओवर ए की जगह डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह माइनस 34 आया और इस एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पूरा मैंने ये वाला लिख दिया। नाउ x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास है
ये ऊपर नजर आ रही है ये वाली, तो माइनस 1/34 -2 -7 -4 3, और इसके साथ b मल्टीप्लाई करेंगे, b क्या है -6 और 26। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की सही प्रैक्टिस होनी चाहिए तब आसानी होगी। नाउ x विल बी इक्वल टू -1/34 मल्टीप्लाई करेंगे, -2 -6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस अब -7 28 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 26 के साथ। उसके बाद सेकेंड रो की बारी है, -4 मल्टीप्लाई -6 प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 26 के साथ। मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या आएगा हमारे पास, -1/34 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 12 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 से पहले 7 6 42, 7 2 14 और 14 + 4 18 -182, और इस तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 24 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 18 3 2 6 + 1 7। नाउ दिस इज इक्वल टू -1/34। अब यहां से ये माइनस होगा, यानी 12 माइनस 182, तो ये आ जाएगा -170/, अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 8 और 4 प्लस होंगे तो 2 आ जाएगा 12, 7 और 2 9, 9 + 1 10, 102। तो x इज इक्वल टू अब -1/34 मल्टीप्लाई होगा -170 के साथ, -1/34 मल्टीप्लाई होगा 102 के साथ। अब कटिंग करते हैं, तो सबसे पहले 17 से कटिंग करते हैं, 17 2 और 17 1 7 और 0, यानी -10 आता है, और फिर ये कटिंग अगेन हो सकती है, 2 1 2 2 5 10, तो -5 आ जाता है। अब ये -5 इस -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाता है +5, और इस तरह से नीचे हम कटिंग करते हैं, पहले 2 के साथ कटिंग करते हैं, 2 17 और 2 5 10 2 1 2, और इस तरह अगेन 17 के टेबल से 17 1 17 17 3 51, तो ये -3 इस -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाता है -3। तो x जो कि हमारे पास क्या है, स्मॉल x और y मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू 5 -3, तो x के वैल्यू 5 और y के वैल्यू -3। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू -3, सो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू x के वैल्यू पहले लिखेंगे, y के वैल्यू बाद में लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 3x + 3y = 8, और दूसरी इक्वेशन है 2x + 2y = 7। सबसे पहले इन मैट्रिक्स फॉर्म
मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा 3 और 3, और नीचे 2 और 2, उसके बाद एक्स वाई आ जाएंगे और यहां पर है 8 और 7। हेयर ए इज इक्वल टू 3 3 2 2, और कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, एंड बी इज इक्वल टू 8 7। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले फाइंड करेंगे, यह आएगा 3 3 2 2। सबसे पहले डायगोनल के नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस, अब डायगोनल के अलावा नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3। नाउ दिस इज इक्वल टू 2 3s are 6 माइनस 2 3s are 6 तो इज इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया, 0। एज डिटर्मिनेंट of A is equal to 0, so matrix A is singular. matrix A क्या है, singular है. जब matrix singular हो so further solution is not possible. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट सॉल्व करते हैं. लीनियर इक्वेशन 2 है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29, 2x प्लस y इज इक्वल टू 10. सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं. इन मैट्रिक्स फॉर्म अब फर्स्ट इक्वेशन x का कोफिशिएंट 3 है और y का कोफिशिएंट 2 है, यानी 3 और 2, और उसके बाद 2 और इस यहाँ पर y का 1 है, तो 2 1, और इन दो इक्वेशन में वेरिएबल्स हैं x और y, और इक्वल की दूसरी साइड पे फर्स्ट इक्वेशन में 29 है और सेकेंड इक्वेशन में 10 है. हेयर A, matrix A is 3 2 2 1, और matrix capital X X or Y, और इस तरह matrix B is equal to 29 10. सबसे पहले हमें जरूरत होगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की, विच इज 3 2 2 1. सबसे पहले डायगोनल पोजीशन पे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस, अब 2 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ दिस इज इक्वल टू 3 1s are 3 माइनस 2 2s are 4, तो 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1. अब हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं. एडजॉइंट के लिए आसानी के लिए यहाँ पर मैट्रिक्स ए मैं लिख देता हूँ. मैट्रिक्स ए हमारे पास है 3 2 2 1. अब इस मैट्रिक्स ए का हम क्या फाइंड करते हैं, एडजॉइंट. तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं जो डायगोनल पे हैं इनके पोजीशन चेंज कर देते हैं, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 3 यहाँ पर, और बाकी दो नंबर्स का सिर्फ साइन चेंज करेंगे, तो -2 और ये -2. नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 ओवर
डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है माइनस वन ओवर एडजॉइंट है हमारे पास वन माइनस टू थ्री, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। आप इसको यू भी लिख सकते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू, क्योंकि वन को जब माइनस वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस वन आता है, तो वो माइनस वन हर एक के साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा। जब माइनस वन मल्टीप्लाई होगा तो हर एक का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस वन मल्टीप्लाई होगा तो इस तरह माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस टू बन जाएगा, ये भी प्लस टू बन जाएगा और ये माइनस थ्री बन जाएगा। सो ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी, ए इनवर्स हमारे सामने है माइनस वन टू टू माइनस थ्री, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स बी के साथ 29 और 10। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के साथ माइनस वन, 29 के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस वन मल्टीप्लाई 29 प्लस, अब ये टू 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद सेकेंड रो की बारी है, सेकेंड रो में हमारे पास 2 मल्टीप्लाई होगा 29 के साथ प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ। अब सिंप्लीफाई करते हैं, नाउ दिस इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 29 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा प्लस 20, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 58, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 30 आएगा। अब माइनस कर देते हैं तो ये आएगा माइनस 9, और 58 से 30 माइनस होगा तो ये आएगा 28। क्योंकि कैपिटल एक्स जो है वो मैट्रिक्स एक्स और वाई की इक्वल है, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 9 28, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स इज इक्वल टू माइनस 9 एंड वाई इज इक्वल टू 28। सो सॉल्यूशन सेट विल बी एक्स की वैल्यू और फिर वाई की वैल्यू, तो ये हमारा फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट सॉल्व करते हैं। दो इक्वेशंस हमें गिवन है, एक्स ओवर 2 प्लस वाई ओवर 3 इज इक्वल टू 4, और सेकेंड इक्वेशन एक्स प्लस वाई ओवर 6 इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो यहाँ पर जो x ओवर 2 जो लिखा हुआ है, दिस x ओवर 2 इज एक्चुअली 1 ओवर 2 n टू x, और इस तरह y ओवर 3 जो लिखा हुआ है दिस इज एक्चुअली 1 ओवर 3 y। तो इस तरह y ओवर 6 जो लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर 6 y। तो जब हम इस तरह से लिख सकते हैं तो मैट्रिक्स फॉर्म में, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर x के साथ जो कोफिशियंट है वो है 1 ओवर 2, यहाँ पर y के साथ जो कोफिशियंट है ये है 1 ओवर 3, और यहाँ पर x का कोफिशियंट है 1, और यहाँ पर y का कोफिशियंट है 1 ओवर 6। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म आ गई है, और x स्मॉल x y यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू 4 और 2 हम यहां पर लिखेंगे। नाउ हेयर ए इज इक्वल टू 1 ओवर 2 1 ओवर 3 1 1 ओवर 6 कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स वाई, और बी इज इक्वल टू 4 2। यानी हमने इसको ए का नाम दिया,
इसको x का नाम दिया और इसको b का नाम दिया। सबसे पहला काम हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करना। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज 1/2, 1/3, 1, 1/6। सबसे पहले डिटर्मिनेंट के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज 1/2 × 1/6 माइनस, अब 1 और 1/3 मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाता है 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1/12 माइनस 1/3, तो एलसीएम आ जाएगा 12। जब एलसीएम 12 होगा तो 12 लाने के लिए यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अब हमारे पास ये आ जाएगा 1 माइनस 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू −3/12। यहाँ पर कटिंग हो जाती है, 3 1s are 3, 3 4s are 12 −1/4। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू −1/4। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, सबसे पहले इस साइड पे मैं मैट्रिक्स ए लिख देता हूँ और उसको देख के हम एडजॉइंट बना लेते हैं, 1/2, 1/3, 1 और 1/6। अब क्या करना है, तो ये आ जाता है, इनके आपस में जगह चेंज कर देते हैं, 1/6 यहाँ पर आएगा, 1/2 यहाँ पर आएगा। अब इनकी सिर्फ साइन चेंज करेंगे, −1/3 और −1। अब फाइंड करते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है −1/4 और एडजॉइंट ऑफ ए सामने है, दिस इज 1/6 −1/3 −1, 1/2। सबसे पहले ये −4 है, −4 ऊपर चला जाएगा क्योंकि 1/1 में है, तो ए इनवर्स इज −4 और यहाँ पर आ जाएगा 1/6 −1/3 −1, 1/2। अब क्या करते हैं, मज़ीद आसान करने के लिए हम −4 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, −4 × −1/6 −4 × −1/3 −4 × −1 −4 × −1 −4 × 1/2। अब कटिंग कर लेते हैं जहाँ पर हो सकती है, 2 1s are 2, 2 2s are 4 और 2 3s are 6 और इस तरह 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा −2/3, यहाँ से आ जाएगा प्लस, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4/3 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 और यहाँ से आ जाएगा −2। नाउ x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। a इनवर्स हमारे सामने है −2/3, 4/3, 4 −2 और मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ b, क्या था वो 2, 4, 2। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो x इज इक्वल टू
सबसे पहले ये मल्टीप्लाई होगा इस नंबर के साथ, तो माइनस 2/3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4/3 मल्टीप्लाई होगा इस 2 के साथ। अब सेकंड रो की बारी है, 4 मल्टीप्लाई होगा इस 4 के साथ प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा इस 2 के साथ। अब सिंप्लीफाई कर देते हैं तो x इज इक्वल टू, यहां पर देखिए जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये आएगा माइनस 8/3 प्लस, और यहां पर आएगा प्लस 8/3, ये आएगा 16, और यहां से आएगा माइनस 4। तो ऊपर क्योंकि सेम है अपोजिट साइन के साथ है तो दोनों कट जाएंगे, 0 आ जाएगा, और नीचे से 16 से 4 माइनस होगा तो 12 आ जाएगा। तो ये कैपिटल एक्स जो है किसकी इक्वल है, स्मॉल एक्स वाई की इक्वल है, और ये 0 12। दिस इंप्लाइज दैट एक्स की क्या वैल्यू है, एक्स इज इक्वल टू 0 और वाई इज इक्वल टू 12। सो सॉल्यूशन सेट विल बी 0 की वैल्यू पहले और y की वैल्यू बाद में।